और गुजारिश सिर्फ इतनी है देखो गल चंगी लगे तो सुभान अल्लाह सुनी है मेरी तकरीर जज बन के नहीं सुननी मोहम्मद अरबी का गोला बन के सुननी है और इच्छा ना सुभान अल्लाह होवे तुहानू भी फायदा होगा साढ़े बुजुर्ग जो दुनिया तो चले गए ने उन्होंने भी फायदा होगा और फिर रमजान मुबारक के विच ते ऐंज आप लोग अल्लाह तबारक व तआला ने साडे वास्ते खसूसी पैकेज रखे है अगर आम हालात के अंदर असीं कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक लफ्ज पढ़िए तो सानू 10 नेकियां मिलदियां ने रमजान मुबारक के अंदर अगर उसी कुरान का एक लफ्ज पढ़िया जाए तो रब्बे के नाम 70 नेकियां अता फरमा छोड़ा आम हालात के अंदर अगर सुभान अल्लाह की तो उलमाए इकराम फरमाते ने 90 नेकियां मिलदियां ने और अगर आम हालात अंदर 90 मिलदियां ने तो 90 नु जरा 70 नाल ضرب دے اجے تے گھر جا کے کیلکولیشن کر لو جے کہ کتنا تہاڈے نامے اعمال تو نیکیاں لکھی ہوئی ہیں نو کتنا ایک مرحوم نو ثواب اللہ نے عطا فرمایا سبحان اللہ حضرات جی کل قران مجید فرقان احمد دی بڑی شورا یا فرا کر زبان دا دیا آیا کریمہ تلاوت کرتا شرف حاصل کیتا رب کائنات نے فرمایا فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى जिंदगी बच्चे बच्चे तकरीबन याद है मेरा जिक्र करो मैं जिक्र कर इस बंदे ने गल पसंद आई ऊंची अक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कुछ नहीं होता ऊंची अक सुभान अल्लाह मैं तो तकरीबन 10-11 साल हो गए बयान करता है सुभान अल्लाह नाल या कुरान पढ़ने है बंदे ने कुछ भी नहीं होता ऊंची अक सुभान अल्लाह रब ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम रब फरमाता तुसी मेरा जिक्र करो मैं रब तुहाडा जिक्र करांगा सुभान अल्लाह सहाबा करा पूछा या रसूलल्लाह साडा जिक्र करना की मुराद है अल्लाह का जिक्र करना की मुराद है नबी रहमत रहमान बड़ी तवील हदीस है मुख्तसर करके अर्ज कर लगा हुजूर ने फरमाया रब्बे कायनात को मानता है ऐ इंसान तू जमीन पे बैठ के मेरा जिक्र कर मैं अर्श पे तेरा जिक्र करूंगा और मैं ऐ बंदे तू बंदे च बैठ के मेरा जिक्र कर मैं फरिश्ते च बैठ के तेरा जिक्र करूंगा अच्छा तो आन अजय भी मिल जाए के शुरू नहीं आया मैं तो अपने जॉब पर से एक गल सुना देना ना अल्लाह ते मूसा अलैहि सलाम के दौर तक देखा हजरत मूसा कोई दूर से गए रास्ते में उनका मुलाकात हुई अर्ज करना प्यारे करीम किथे चले हो आपने फरमाया मैं रब्बे कायनात का मुलाकात पर चले आऊं ते कलामी का शर्फ हासिल करने वास्ते जा रहे हैं अर्ज करता मेरा भी एक सवाल लेके जावे ते रब को पूछ के आवे ते रब्बे कायनात को पूछा जे मैं जन्नती हां या जहन्नमी हां दाता अली मेरी रहमतुल्लाह अलैह कशर मौजूद के अंदर थोड़े से लफ्ज और लिखे ने एक रवाया उसे भी यही लिखे आप फरमाते ने मैं पूछ के आवा का मूसा रिजवान को सलाम गए तवज्जो है थोड़ी मेरे बात जब कोई दूर से पहुंचे रब्बे कायनात की बरकत से जो हम कलामी का शर्फ हासिल होया तो सवाल से उनका आखर थे कि मालिक की पे उम्र का बंदा मिलया तो पूछ रहा सी कि मालिका मैं जन्नती हां या जहन्नमी हां रब्बे कायनात ने फरमाया वो जहन्नमी है अल्लाह और भाई इकराम ने कहा कि 460 साल उस बंदे ने रब की इबादत की थी रब की बरकत सजदे की थे सर रब ने फरमाया जहन्नमी है बड़ा इंतजार कर हजरत जिमला ने मूसा वापस आए तो आठ बंदे ने पैगाम दिया कि मेरा करीम रब ने फरमाया तू जहन्नमी है तू जहन्नम तू जाना है साहब रहमतुल्लाह अलैह की फरमाते ने माली दा काम पानी देना ते भर भर मशका पावे खालिक दा काम भर भर लाना लावे या ना लावे अर्ज कर
ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਜਿਬਰੀਲ ਆਏ ਅਰਦਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਪੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰੀਮ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉਮਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਬ ਬੰਦਾ ਫਾਸ ਕਰੂੰਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਅਸਕੁਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚਾਹੀ ਲੱਗੇ ਉੱਚੀ ਅੱਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਬਕਾ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੂਮਿਨ ਹੋਵੇ ਮੂਮਿਨ ਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੂਮਿਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਇਖਤਸਾਰ ਕਰਾ ਮੂਮਿਨ ਕੌਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਪੜਦੇ ਔਰ ਮੂਮਿਨ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਦਾ ਵਾ ਮਿਨ ਨਾਸ ਮੈਂ ਯਕੂਲ ਆਮਨ ਬਿੱਲਾਹ ਵਾ ਬਿਲ ਯੋਮ ਅਖਰੀ ਵਾ ਹੁਮ ਮੂਮਿਨ ਤਵੱਜਹ ਫਰਮਾਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤਰਫ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਖਰਤ ਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਹੁਮ ਮੂਮਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਈਮਾਨ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਕਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
मामा चाचा मालिक भाई सारे रुख सुख करने का वक्त आता है रोज सारे राय होते हैं तजर्बा होता है थोड़ा रोज सारे राय होते हैं लेकिन ये कोई रखता कि बरात वापस घर छोड़ो असं बच्ची तोड़ नहीं हुई असि बच्ची को भेजना नहीं फरमाया बच्ची को तुरखता कोई नहीं रोंदे सारे ही ने
نبی رحمت دے غلامے زندگی موقع ملا تو میں تمہیں دس لگا مشکل کشا
नसीब हो जाए मौत का मुल पिया या कोई ना पिया बोलो मुल पिया या कोई जिस बंदे ने नबी रहमत की ज़ियारत नसीब हो जाए जिस पहचान नसीब हो जाए फिर उस बंदे वास्ते रब की तरफ मौत तोहफा है या कोई ना इस वास्ते मौत तोहफा मोमन दे वास्ते जिहड़ा बंदा मोमन होवे जिहदे दिल विच कमली वाले दा प्यार होवे कि मेरे बुजुर्गो दोस्तो गल मेरी नूं कही है प्यार दा जो तकादा होंदा जिहदे नाल बंदा प्यार करे ना जिहदा बंदा आशिक होवे जिहदे नाल बंदे नूं मुहब्बत होवे फिर उहदियां गल्लां भी मनणियां पैंदियां फिर ओके आखे भी मरने पौते हैं जो आखे वो करना पौता है मैं लम्मी छोड़ी मिसाल नहीं देता एक वजीफा तुम छोटा जो दस छा दुनियादारा का निजाम है कि अपने महबूब को सवेरे उठते रहे फोन करते हैं कपड़े कहे रंग के पाने नहीं जुत्ती कहे रंग की पानी है खाना पकाना जी तुसा की असली पकाइए बस अदरत बड़े काबले जब मेरे भाई बजुर्ग दोस्त बैठे हो आज जरूरत नहीं है किस जाने का फजर तो पहले उठ के ना रात के पिछले पाप उठ के एक बार मदीने अल मुंह करके उस माफूदा भी पूछी सोनिया तेनू की पसंद है सोनिया जो तेनू पसंद है वो मैं अपना जेड़ा तेनू खाना पसंद है मैं खाना खा लेना हजरत जुनैद बगदादी रहमत अल्लाह अलैह आप एक दिन अपने शहर बाहर निकले ना गल मैं अपने वक्त की तकरीर इंशाल्लाह खत्म करा दा आप बात एक ना हजरत बहलोल तनाव का ना सुने तुसा बहलोल दीवाना जी और कह देता आप बैठे ना आप उस दिन लोग करो कि ये कौन है तुसा जी बहलोल दरा है इतनी गल करके आप पता टुर गए आप फिर मगर पाए जाके मेरे भी फिर सलाम लगा कौन है आके जुनैद बगदादी आ फरमाते ओ जुनैद मैं उठ के तुझे तो कहने लगे जे एडा जुनैद बगदादी के दस फिर तेरे सोने ते आदाब होंदे ने खाने ते आदाब तो नहीं होंदे सोने ते आदाब होंदे ने उन्हें खिची होंदे ने रात नूं करके सोना चाहिदा है सच्चे पहलू तो सोना चाहिदा है ऐ तड़ी थले रख के ऐ करके सोना चाहिदा है कलमा शरीफ कोई बताया दूसरी पढ़ के सोना चाहिदा है हजरत जी का हजरत जी का बैलोन तरह उसका फरमाया लोगों को दस हदीस देना है आपे नूं कि सोने दा तरीका ही नहीं होंदा हजरत बैलोन तरह जब गल कीती तां पता चल गया बड़ा इख्तिसार करा हजरत जी का हजरत जुनैद बगदादी मरण गए तो फरमान लगे फिर ये दस मतू ਸੀ ਮੈਨੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਕੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰੇ ਬੜੀ ਲੰਮਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਦੋ ਦਰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮੇ ਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੋਣਾ ਇਹ ਅਮਲੀਆਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਮਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਸ ਤੋਂ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉਮਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਦਾਬ ਚ ਪਹਿਲਾ ਆਦਾਬ ਇਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚਾ ਆਦਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਪੌਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਜੋ ਆਕਾਮ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਵੇ ਕੁਰਾਨ ਤਕਰੀਰ ਪਾਤ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਆਈ ਤਰਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਲੈ ਉਹ ਜਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਬੰਦੀ ਸਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਬਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਵਾ ਪਾਵੇ ਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਤਰਾ